एक बैग ये हो गया, इसमें कपड़े हैं आनी कर दे कपड़े ना। इस दफा नहीं जाएंगे, अगली दफा जो है वो जरूर इनको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें इधर बच्चा पार्टी क्या कर रही है, ये यान ने देखें क्या 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 कर डाला। अयान ऐसे ना करो यार। इधर कैमरे की तरफ बोल करो, किधर जा रहा आपने? बच्चा रहो। बच्चा रहो जाना। ये बोल रहा है कि चाचू मुबशर के पास जाना, किधर को जाना? बच्चा रहो जाना। जब भी आप लोग बाहर जाते हैं तो इसको इतना शौक है घूमने फिरने का, ये कहता है कि बाइक पे रहूं या गाड़ी पे रहूं, दिन रात 24 घंटे इसको खाने पीने को कुछ ना मिले तो इसे कोई परवाह नहीं, बस गाड़ी होनी चाहिए। अभी मैं जाने लगा हूँ और ये कह रहा है कि मैंने भी बशर के साथ जाना है। चाचू 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 बोलते हैं साथ, चाचू बशर के साथ जाना जब अच्छा जाना जाना और जाना आपने जाना 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 आपने कहता आ जाना। ओके फिर लो, जैसे अनाया को पता चला है, अनाया ने भी अपना जूता लगा लिया सैंडल। और आपने भी जाना 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 बाबा ने जाना चल बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी सफ़र का आगाज़ जो है वो सिकंजवी के साथ यानी के नींबू पानी के साथ किया जा रहा है। सिकंजवी जो है ना जी मानसून में ये जो बारिशों का सीज़न है इसमें कहते हैं कि बहुत अच्छी होती है। अच्छा जी, बुज़ुर्गों से सुना है। ठीक हो गया बशर भाई, हम लोग जा कहाँ पे रहे हैं ये आप बताएंगे? ये ड्राइवर को बताया जाएगा कि ड्राइवर उस तरफ को ले जाएगा। ठीक हो गया। तो इस छली ने हमारा तकरीबन आधा घंटा साथ दिया सफ़र में, काफ़ी मज़े से खाई है। जैन भाई थोड़ी जी ख़त्म हुई छली सारे तो पहले खाने जगहों की एक्सरसाइज हो गई ये खाने से। ठीक है बिल्कुल नॉर्मल स्पीड के ऊपर। और अभी हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। फर्स्ट टूर जो हम लोग गए थे बाइक के ऊपर नारान, तो उस वक्त पहली दफ़ा टैक्सला देखा, ये सारा एरिया हम पहली दफ़ा ही देखा, मैंने तो स्पेशली पहली दफ़ा देखा था। और इस्लामाबाद भी मैं भी पहली दफ़ा देखा था। जैन उससे पहले आपने देखा हुआ था इस्लामाबाद जब फर्स्ट टूर था नारान का हमारा? फिर एक बार सोच नहीं देखा, नहीं देखा हुआ। देखा होगा वीडियो किसी में या तस्वीरों वगैरह। वीडियो की तो बात नहीं हो रही, बात हो रही है तो मैंने आपको बताया था है कि मैंने नहीं देखा, आपने कहा फिर सोच ले, फिर जब देखे की बात आ गई है तो वो कैसे भी हो फिर देखा देखा ही होता है। ठीक हो। अभी हम अभी तक हमें बालाकोट जहाँ पे हमने तकरीबन 4 से 5 रातें गुजारी थी, उस होटल का नाम था क्या नाम था उस होटल का? पाकिस्तान होटल जिंदाबाद, वो भी हमें जानते होंगे अभी तक। हाँ। अभी 1 घंटे का सफर हमारा रहता है, 1 घंटा 9 मिनट और टोटल जो है वो 40 किलोमीटर हमने जाना है। और थोड़ी सी ट्रैफिक है उसमें हम फंसे हुए हैं। जैसे हम मानसहरे से बाहर निकलेंगे ना तो इंशाल्लाह रोड भी अच्छा होगा उम्मीद है और सफ़र भी जल्दी जो है वो गुजर जाएगा। अभी फिल वक्त हम मानसहरे के अंदर हैं और यहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक, शाम का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त पहुँच गए हैं बालाकोट। आप इतने चिट्टे
टाइम क्या हो रहा? मैं भी कहूँगी इतने चिट्टे क्यों आ रहे हैं, मैं आपको काला करके रहूँगा। मैंने खुद ही थोड़ा ब्राइटनेस जो है बढ़ाई है। अब ये बताएं टाइम क्या हुआ? टाइम 10:30 होने, 10:30 हम लोग बालाकोट पहुँच गए, और 2.5 साल पहले जिस होटल में हम लोग ठहरे थे आज भी उसी होटल में ठहरे सीधे हम लोग आए। जनाब ये रहा सामान, अंधाधुन सामान है, अंधाधुन नहीं हुआ हुआ। ये हमारे भाई साहब का बड़ा सा बैग, और ये जनाब कब्जा कर लिया मैंने उस पेड़ पे। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं खाने के लिए। जनाब अभी हमें खाना जो है वो नसीब हो गया माशाल्लाह से, चने और चावल। अभी हम सारी टाइम जो है वो निकल रहे हैं नारान के लिए। आज तो हमारी कोशिश है कि हम नारान जाके करें। हाँ जी फिर है। हाँ जी सर, तैयार हो फिर? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी निकली है फिर? हाँ जी रेडी? यस हम रेडी। चले ठीक हो। नींद फिर कैसी आई है? नींद 3 घंटे की क्या नींद। अच्छा ये तो ऐसे है कि दिन को अगर सो रहा तो वो ठीक है, रात को 3 घंटे की नींद मज़ा नहीं आता। ये जैन का बैठ, मैं अगर नहीं इधर भाई मशर थे, और यहाँ पे मैं था सोया हुआ, और यहाँ पे हमारा लंडा बाजार, ये हमारे भाई ये किधर भी सोए पंखे के नीचे, और ये रहा बालाकोट कोई 4:30 के करीब नज़ारा ये है। देखिए सूरज पता कहाँ से तुलू होगा, चाँद माशाल्लाह। सूरज पता कहाँ से तुलू होगा? हाँ किधर से? ये जिधर से ज़्यादा लाइट आ रही है ना, हाँ। इसके थोड़ा सा राइट साइड से हो मुझे ऐसा लगता है। सही है। नज़ारा आंदा पे? ठंड लगी करती है। हनी बशर भाई की फील कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी चीज़ तो निकल के बंदा ठंड चाहे तो फील है। इतना आगाज हो गया बकायदा सर्दी का है। टाइम देखे क्या होगा मुकरम भाई? 5 बज के भाई मशर हो गए ना 13 मिनट। सुबह के 5:13 हुए हैं, तो हमने आधा रास्ता जो है वो काट दिया है बालाकोट से नारान का। माशाल्लाह हम नारान के बिल्कुल करीब हैं, और यहाँ पे हम रुके हैं, छोटा सा पुल है एक, और यहाँ पे दरिया का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और दूसरी बात ये कि जब हम 2 साल पहले यहाँ पे आए थे तो तब भी हम यहीं पे रुके थे। 2 साल पहले तकरीबन 2.5 साल पहले हम लोग आए थे, और वो हम लोग आए थे जो है वो बाइक के ऊपर। अभी सेम जगह पे हम लोग रुके हैं, और माशाल्लाह सुबह सुबह का टाइम है, अभी 5:20 हुए हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और यहाँ से बाकायदा सर्दी का जो एहसास है वो होना शुरू हो गया। तो अभी मैं आपको दरिया की कुछ लहरें जो है उनकी सैर करवाता हूँ। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे रुकने का एक मकसद ये भी था कि वो पिछली जो याद है उसको ताज़ा किया जाए। आइए आपको भी लहरों के रूबरू कराते हैं। मैंने अभी तक अपना ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाया, और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा आगे जा कर उड़ाएँगे। यहाँ पर जितना रुकना था रुक लिया,
ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट अभी हम आगे चलेंगे। जनाब अभी हम ड्रोन जो है यहाँ पे उठाएंगे और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा पहाड़ी इलाके में ड्रोन उड़ाने का। जैन को मैं कह रहा हूँ तो जैन कह रहा है मुझे डर आ रहा है, खुद ही उड़ाएँ। वो हवा हल्की फुल्की चल रही है लेकिन मुझे उतना डर नहीं आता, मैं इसको उड़ाऊँगा। उड़ाने के लिए लिया हुआ है तो फिर डरना कैसा। भाई मुकरम को मुझे कहते हैं कि उड़ाएँ, मैंने इनको कहा है कि मुझसे मेरा ड्रोन क्रैश हो जाए ना 50 बार भी क्रैश हो जाए तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो मैं कह रहा हूँ वो हौसला नहीं है कि मैं आपका ड्रोन लेके उड़ाऊँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं टी शर्ट में हूँ ऊपर से मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। मैं कह रहा हूँ जैन को आप उड़ाएँ, अगर कहीं क्रैश होगा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे तो आप मुझे नया ना लेके दीजिएगा, आप ठीक करवा दीजिएगा, यही रिपेयर करवा दीजिएगा। भाई कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि ना जैकेट नहीं, मुझे तो नहीं ठंड लग रही इतनी, सच में मुझे लग रही है पता नहीं क्यों। ले आओ फिर यार।